हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है और उसके दो एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल हमने रखे हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी में, और इवन स्टॉक्स लॉ जो पढ़ते हैं स्पेयर का रिलेशन FT इज इक्वल टू 6 pi eta r v, वो रिलेशन कैसे आता है वो भी हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में रखा है। आप स्टॉक्स लॉ में भी देख सकते हैं, तो दो वीडियो लेक्चर्स स्टॉक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बनेगा। क्वेश्चन है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r acquires a terminal velocity v1 when falling due to gravity through a viscous fluid having a viscosity coefficient of viscosity eta, coefficient of viscosity, absolute viscosity, dynamic viscosity, these all are same, eta naam bahut sare hain. The sphere is broken into 27 identical solid spheres. To yahan pe sabse pehla samajhte hain hum log ki sir, मान लीजिए कि ये हमारा कोई स्फीयर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? सिंपल मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, कांस्टेंट। जब आप किसी बॉल को फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो पहले उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो जाएगा, और उसी को आप बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर कभी मान लीजिए याद ना भी रहे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, मान लीजिए कि ये बॉल को ड्रॉप किया गया, आप इमेजिनेशन कीजिए कि इस पे क्या क्या फोर्स लग सकता है। एक इस बॉडी का वेट mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा क्योंकि ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, साथ में आप बोल सकते हैं कि सर बॉयंसी फोर्स भी होगा, और बॉयंसी फोर्स यानी फ्लूइड उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, साथ में सरफेस पे आप बोल सकते हैं कि ड्रैग फोर्स भी एक्ट करेगा मोशन के अपोजिंग में, जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स। और मान लीजिए कि ये डाउनवर्ड, मान लीजिए कि हम इसका एक्सेलरेशन a लिख देते हैं जस्ट आपको ध्यान रखने के लिए। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस को देखें, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप लिखते हैं mg माइनस FB माइनस FD इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो आप इसी रिलेशन को तो ऐसा लिख सकते थे कि सर mg माइनस FB इज इक्वल टू FD, और सिंस ये स्फीयर है तो स्फीयर के केस में ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन होता है 6 pi eta r। अब यहां पे एक्सेलरेशन जैसे ही आप जीरो लिखते हैं तो ये वेलोसिटी बन जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये मान लीजिए कि इस बॉडी का डेंसिटी ρ1 है, जस्ट एग्जांपल, और फ्लूइड जो है उसका डेंसिटी ρ2 है, तो आपको भी पता है कि mg जो वेट है उसको, मास को हम लोग रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते थे, तो रो किसका, तो जो स्फीयर है, तो ρ1g वॉल्यूम माइनस बॉयंसी फोर्स और बॉइंड फोर्स, इसको लिखा जा सकता था ρ2 क्योंकि ये फ्लूइड लगाता है, और जी यानी हम लोग पढ़ें कि बॉइंड फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, तो आप यहाँ पे ρ2g वॉल्यूम लिख सकते थे, 6 pi eta r v t लिख सकते थे। यानी यहां से आप बोल सकते थे कि सर रिलेशन जो आया अपने को वो आ गया कि ρ1 माइनस ρ2 g
और वॉल्यूम स्फीयर का लिखा जा सकता था 4/3 πr³, और यहाँ पे 6 πe r टर्मिनल वेलोसिटी। सो पाई पाई कैंसिल हो गया, आप इसको लिख सकते थे कि सर ये 3 × 2 × 6, इसका 2 × 4, एक आर क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ r है, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसी को लिख सकते थे कि सर ये रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन है डेट विल बी 2/9 ρ₁ − ρ₂, और जी आर स्क्वायर क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाएगा बाई, आप बोल सकते थे कि सर दिस विल बी ईटा। यही हमारा रिलेशन आएगा, क्रॉस चेक कर लेंगे आप लोग। तो यहां पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अगर स्फीयर का डेंसिटी और फ्लूइड का डेंसिटी और ईटा सब कुछ सेम है, जी भी कांस्टेंट है, तो आप यहां पे तो बोल सकते थे कि सर टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है रेडियस स्क्वायर के। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और उसका टर्मिनल वेलोसिटी v1 जो है, तो आप यहाँ पे बोल सकते थे कि अगर बड़ा जो है यानी v1 जो है अपना वो लिखा जा सकता था, v1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर लिख सकते थे। अब यहाँ पे कहता है कि द स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा कि बोला कि इफ ईच ऑफ दिस स्फीयर्स अक्वायर ए टर्मिनल वेलोसिटी v2, यानी 27 में ब्रोक किया गया और तोड़ा गया उसको, और एक एक का जो टर्मिनल वेलोसिटी है, छोटा छोटा जो हमारा स्फेरिकल बॉल है उसका टर्मिनल वेलोसिटी है v2। तो सबसे पहले मान लीजिए कि छोटे वाले बॉल का आप बोल सकते थे कि सर रेडियस जो है, मान लीजिए हम यहाँ पे बोल सकते थे कि सर छोटा बॉल जो है उसका रेडियस स्मॉल r है और इसका वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी डेट इज v2। तो अब यहाँ v2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्मॉल r और कैपिटल r के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो आप सिंपल लॉजिक यहाँ पे है कि जो छोटा स्फेरिकल बॉल बन रहा है वो बड़े बॉल को तोड़ के ही बन रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप बोल सकते थे कि सर 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ जो बिगर बॉल है वो इक्वल हो जाएगा 27, क्योंकि 27 छोटे छोटे बॉल में है और ईच का रेडियस मान लीजिए कि स्मॉल r है, ऐसा हम लोग लिख सकते थे। सो 4/3 π जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते थे कि सर ये रिलेशन अपने को आ जाएगा r³/27 r³, और इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर r इज इक्वल टू या r³ 3r⁴, क्योंकि 3 के पावर में 3 लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कैपिटल R जो है वो इक्वल हो गया 3r के। अब हमसे पूछा जो जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ v1/v2। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अब आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि सर v1 हमारा जो v1/v2 जो है वो हो जाएगा r² / r², और इसी को आप लिख सकते थे कि सर ये अपना हो जाएगा 3r² / r² और ये हो जाएगा 9r² / r², सो स्मॉल r² कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट 9। सो हमारा अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन है 1/27, थर्ड ऑप्शन है 1/9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 27। सो हम लोग को आंसर जो मिला वो 9 मिला, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9A। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r and density rho falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water। मान लीजिए कि ये अपना
टैंक ऑफ वाटर है। थोड़ा कलर दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं टैंक ऑफ वाटर। और बॉल को मान लीजिए ये हमारा स्फेरिकल बॉल है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है और ड्रॉप करने में ये जो बोल सकते हैं कि एयर में हाइट जो है, ये अपना हाइट जो है एच दिया हुआ है, ड्रॉप किया गया किसी हाइट एच से। मान लीजिए ये हाइट एच से ड्रॉप किया जा रहा है एयर में। अब यहां पे कहता क्या है कि अंडर ग्रेविटी, फॉल्स अंडर ग्रेविटी, अ डिस्टेंस जो है थ्रू अ डिस्टेंस एच इन एयर बिफोर एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर। तो फॉल अंडर ग्रेविटी क्या होता है कि आपको भी पता है कि यू जीरो हो जाएगा और यहां पे वेलोसिटी मान लीजिए कि वी है जब वाटर में जस्ट एंटरिंग हो रहा है। तो आप फ्री फॉलिंग बॉडी अगर हम देखें तो रिलेशन यूज कर सकते हैं कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। हमारे पास ये यहां पे मान लीजिए जस्ट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए अपोज नहीं कर रहा है तो हम प्लस साइन लिख रहे हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। सो ये यू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पे आपको वी मिल रहा है टू जी एच अंडर रूट, यानी रूट अंडर टू जी एच। अब कहता है कि इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन साइड वाटर इज सेम एज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर, यानी यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो यही वेलोसिटी के इक्वल है जस्ट बिफोर जो है एंटरिंग द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस पे एयर में जो वेलोसिटी था जस्ट बिफोर जो है एंटरिंग द वाटर सरफेस दैट इज वी, और वो है रूट अंडर टू जी एच। तो इस वेलोसिटी को आप लिख सकते थे कि टर्मिनल वेलोसिटी रूट अंडर टू जी एच हो सकता था। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो आपको भी पता है कि वो रिलेशन आप लिख सकते थे कि सर यहां पे हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रिलेशन होता है 2/9, जो कि ऑलरेडी हम लोग अर्लियर क्वेश्चन में देखे हैं। मान लीजिए कि बॉल का डेंसिटी ये रो दिया हुआ है और ये फ्लूइड का डेंसिटी रो एफ है, मान लीजिए ये वाटर का, सो रो माइनस रो एफ और यहां पे जी आर स्क्वायर बाई ईटा और ये हो जाएगा अपना रूट अंडर टू जी एच। सो कह रहा है कि एच जो होना चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इग्नोर विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि सर अगर देखा जाए तो अगर हम एच लिखेंगे तो ये यहां पे आपका आर टू द पावर फोर हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि सर टू रूट अंडर टू जी एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है डायरेक्टली, या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर रूट अंडर एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और इसलिए आप बोल सकते हैं यहां पे कि सर ये जो हमारा हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो एच जो है यहां पे हो जाएगा अपना आर टू दी पावर फोर, क्योंकि आपको भी पता है कि ये इसका वैल्यू जो है 1/2 होता है और 1/2 इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आर टू दी पावर फोर। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम वी इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो वन
एंड इट इज़ फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू. यहाँ पे थोड़ा सा ये रो टू है. जहाँ पे रो टू इज लेस देन रो वन, अज्यूम दैट द लिक्विड अप्लाइज अ विस्कस फोर्स ऑन द बॉल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी स्पीड. यहाँ पे जो दिया हुआ है विस्कस का वो रिलेशन दिया है माइनस के बी स्क्वायर, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगेन जैसे मान लीजिए कि आप बोल सकते थे कि सर ये अपना मान लीजिए कि दिस वन इज स्फेरिकल बॉल. अब इस बॉल का डेंसिटी रो वन है और ये किसी फ्लूइड में रो टू में है, तो इसका वेट एम जी डाउनवर्ड लगेगा इसके सरफेस पे. ये अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, तो आप इसको ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स भी बोल सकते थे. बॉयंसी फोर्स भी लग रहा है और मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ए है, तो आप बोल सकते थे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस से कि एम जी माइनस एफ बी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए, और टर्मिनल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो एफ बी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी, और टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है के बी स्क्वायर. ये अपोजिट साइन बता रहा है माइनस, तो के बी स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं. और ये बन जाएगा अपना कि सर यहाँ पे बोल सकते थे कि सर एम बी ये रो वन जी वॉल्यूम, मान लीजिए माइनस साइन हम यहाँ पे लिख दिए, और ये हो जाएगा माइनस बॉइंट फोर्स जो है ये हो जाएगा अपना रो टू जी वॉल्यूम, ऐसा हम लोग लिख सकते थे. अब यहाँ से अगर हम माइनस साइन अगर इधर ले जाए तो यही रिलेशन बन जाएगा कि सर के भी स्क्वायर रो टू जी वॉल्यूम माइनस रो वन जी वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग. अब यहाँ से बोला जा सकता था कि सर यहाँ वॉल्यूम को थोड़ा कैपिटल वी से दिखाया है, तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा वी स्क्वायर जी वॉल्यूम रो टू माइनस रो वन बाई के. और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि V क्या होगा, तो आप बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा G रूट अंडर G भी रो टू माइनस रो वन बाई के. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A. तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड हैं और JE के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. और टर्मिनल वेलोसिटी पे दो क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल के साथ वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में भी किए हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है. मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि आप अगर एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं तो आप उस वीडियो लेक्चर्स का एग्जांपल को ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं.